हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे कक्षा आठवीं गणित की प्रश्नावली 1.1। जी हाँ, पहला चैप्टर प्रिमेय संख्या। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्नावली 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, उचित गुणधर्मों के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर बच्चों में दो पार्ट दिए हुए हैं, इन दोनों को हमें हल करना है और यहाँ पर हमें इनका मान निकालना है। तो आइए कि एक पार्ट को सॉल्व करते हैं। -2/3 गुणा 3/5 जमा 5/2 घटा 3/5 गुणा 1/6, इसको हमें हल करके मान निकालना है। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट लगा लेते हैं, अलग अलग कर लेते हैं इनको, गुणा वाले को अलग कर लेते हैं। पहले हम गुणा को हल करेंगे, क्योंकि इस प्रकार के जो सवाल होते हैं उनको सोल्व करने का तरीका क्या है कि सबसे पहले हम हल करते हैं को का भा गु जय और न, इसको याद रखना पड़ता है हमें। सबसे पहले हम हल करेंगे कोष्ट को का मतलब यहाँ पर है कोष्ट ब्रैकेट को। इसके बाद हल करेंगे हम का को, का यानी गुणा, उसके बाद भाग को, फिर इसके बाद गुणा, फिर जमा और फिर न से मतलब नफे या घाटा। न का मतलब यहाँ पर है घाटा। तो इस प्रकार के सवालों को हम सबसे पहले हम कोष्ट को यानी ब्रैकेट को हल करेंगे, फिर जहाँ पर का लिखा होता है कई बार आ जाता है कि 2/3 का 1/2, इस तरह से मान लो कहीं पर आ जाए का, उसका मतलब होता है गुणा। उसके बाद हम भाग को, फिर गुणा को, फिर जमा को और फिर घटा को हल करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम हल करेंगे को यानी ब्रैकेट को, जहाँ ब्रैकेट लगाई हमने गुणा को, तो सबसे पहले हम इनको हल करेंगे। इसको हल करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 3 से 3 कट जाएगा, घटा के 2/5 जमा 5/2 घटा। अब इसको हल करेंगे, 3 से काट देंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 1/10 1/10। इसके बाद हम हल करेंगे, फिर अब हमारे पास यहाँ पर निशान है जमा और घटा, तो या तो पहले इसको अलग कर लो दोनों को, या हम ऐसे कर लेते हैं जमा को अलग कर लेते हैं घटा को अलग कर लेते हैं। 5/2 घटा 2/5 घटा 1/10। अब यहाँ पर हमारे पास दो संख्याएं हैं, वो घटा वाली हैं, एक संख्या है वो जमा वाली है। तो हम इनको यहाँ पर लघुत्तम लेंगे, लघुत्तम लेके इकट्ठा इनको अलग कर लेंगे हम। यहाँ पर लघुत्तम आएगा 2, 5 और 10 का, वो निकाल लेते हैं 2, 5 और 10, इनका लघुत्तम आएगा, फिर 5 से भाग देंगे तो लघुत्तम समापवर्तक आ जाएगा हमारे पास 2 × 5 = 10, 10 लघुत्तम आएगा। भाग देंगे 2 से 5 पे जाएगा, 5 × 5 = 25 घटा 5 से भाग देंगे 10 को, 2 पे जाएगा, 2 × 2 = 4 घटा 10 से भाग देंगे 1। जो प्रिमेय संख्याएं होती हैं उनको हम लघुत्तम लेकर के ही हल करते हैं। आगे हल करेंगे इसको, 25 घटा 4 घटा 1 या 1 घटा के 5/10, ये हो जाएगा 25 × 5 = 20, 20/10 और ये हमारा आंसर आ जाएगा 2। तो इस तरह से हम इनको हल कर सकते हैं। आपने ध्यान ये रखना है कि सबसे पहले अगर कहीं पर ब्रैकेट दी हुई कोष्ट दिया हुआ है तो ब्रैकेट को हल करेंगे, उसके बाद हम का यानी गुणा, एक का मतलब एक तरह से होता है गुणा, उसको हल करेंगे, फिर हम भाग को हल करेंगे, फिर गुणा वाली संख्याओं को, फिर जमा वाली संख्याओं को और फिर घटा वाली संख्याओं को। इस तरह से इस क्रम में हमें चलना है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है, अब यहाँ पर देखिए एक ब्रैकेट दी हुई है, गुणा का निशान है, घटा का निशान है, जमा भी है। तो इसको हम किस तरह से करेंगे देखिए, इसको अच्छे समझ लेते हैं। सबसे पहले हम इसको खोल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर निशान है गुणा और साथ में है घटा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2/5 गुणा घटा 3/7 घटा 1/6 गुणा 3/2 जमा 1/14 गुणा 2/5। सबसे पहले हम गुणा वाली को हल करेंगे, इन दो संख्याओं के बीच में गुणा का निशान है तो इनको इकट्ठा कर लेंगे हम, फिर इन दो संख्याओं के बीच में गुणा का निशान है तो इनको इकट्ठा कर लेंगे।
यहाँ पर इन दो संख्याओं के बीच में गुणा का निशान है, इनको इकट्ठा कर लेंगे। हमने 3/2 जमा 1/14 नहीं करना है, इसको हल करेंगे, इसको हल करेंगे, फिर जो आएगा उनको आपस में जोड़ेंगे। इसी प्रकार यहाँ पर इन दोनों को हल करेंगे, तो पहले इसको हल कर लेते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा 2 × -3 − 6/5 × 7 = 35 घटा, 3 से काट देते हैं इसको, थोड़ा हल कर लेते हैं, 1/4 जमा 2 से इसको काट देते हैं, 1/35। अब यहाँ पर हमारे पास संख्याएं प्लस और माइनस वाली हैं, इनका लघुत्तम लेंगे, 35 4 और 35 का लघुत्तम निकालेंगे। अब ये संख्याएं 5 से भाग जाएंगी, फिर 7 से, फिर 4 से कर देंगे इसको भाग, गुणा करेंगे 5 × 7 × 4 140। 140 को 35 से भाग देंगे, ये 4 पे जाएगा, 4 की गुणा -6 से -24 घटा, 140 को भाग देंगे 4 से, 35 पे जाएगा, 1 से गुणा करेंगे 35 जमा 35 से भाग देंगे 4 पे जाएगा, 4 × 4 हल करेंगे इसको, -24 और -35 ये हो जाएगा हमारे पास घटा के 59 जमा 4 और बटे 140। 59 माइनस का है, 4 जमा का है, प्लस का है, तो ये बचेगा माइनस के 55/140। 5 से काट देंगे इसको, थोड़ा कर लेंगे, 5 से काटने पर ये आएगा माइनस के 11/28 और यही हमारा आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से प्रत्येक के योज्य प्रतिलोम लिखिए। बच्चों योज्य प्रतिलोम क्या होता है? योज्य प्रतिलोम का मतलब है कि उस संख्या में हम क्या जोड़ें कि वो जीरो हो जाए, यानी कि उस संख्या का हम क्या कर देंगे, निशान बदल देंगे। वो संख्या जो भी है उसका निशान है, वो साइन है, वो बदल जाएगा। अगर वो संख्या धनात्मक है तो ऋणात्मक हो जाएगी, यानी पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगी, और नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगी, यानी कि वो संख्या ऋणात्मक है तो वो धनात्मक हो जाएगी, वही उसका योज्य प्रतिलोम होगा। जैसे हम उदाहरण लेते हैं, कोई भी संख्या हमारे पास माना ए है, या कोई संख्या मान लो एक्स है, तो एक्स का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, -x। कोई संख्या वाई है तो उसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा, -y। कोई संख्या है -x तो उसका योज्य प्रतिलोम होगा +kx। तो योज्य प्रतिलोम में हमें सिर्फ उस संख्या का, जो भी संख्या हमें प्रिमेय संख्या दी हुई है, उस संख्या का हम साइन है उसको चेंज कर देंगे, वो प्लस से माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट है 2/8, इसका योज्य प्रतिलोम हो जाएगा -2/8, इसका सिर्फ साइन बदलेगा और कुछ नहीं। सेकंड है -5/9, इसका योज्य प्रतिलोम हो जाएगा +5/9, या ये कहें कि 5/9। थर्ड है -6/-5, इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा, तो निशान बदल जाएगा, -6 है तो ये 6 हो जाएगा, -5 है तो 5। थर्ड है -6/-5, इसको थोड़ा सा हल करेंगे, माइनस से माइनस है वो कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 6/5, तो 6/5 का योज्य प्रतिलोम हो जाएगा -6/5। फोर्थ है 2/-9, तो इसका योज्य प्रतिलोम हो जाएगा 2/9। फिफ्थ है 19/-6, तो इसका योज्य प्रतिलोम होगा 19/6, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, तो ये प्रिमेय संख्या है वो ऋणात्मक है, तो इसका हो जाएगा 19/6। तो फर्स्ट है 2/8, तो 2/8 का योज्य प्रतिलोम होगा
तो इस तरह से हम किसी भी संख्या का योज्य प्रतिलोम आसानी से निकाल सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, x बराबर 11 बटे 15 और x बराबर माइनस 13 बटे 17 के लिए सत्यापित कीजिए कि माइनस माइनस x बराबर होगा x। यहाँ पर बच्चों हमें ये दिखाना है कि कोई भी संख्या हमारे पास x है तो उस x के लिए माइनस माइनस x बराबर होगा x। यहाँ पर हम बारी बारी से x का मान 11 बटे 15 और x का मान माइनस 13 बटे 17 रख के देखेंगे और बराबर दिखाएंगे x के, यानी कि माइनस x को अगर माइनस से गुणा की जाए तो वो हो जाएगा प्लस का x। हमें बच्चों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को यानी बाएं पक्ष और दाएं पक्ष को बराबर दिखाना है, तो पहले हम पहले पार्ट को करेंगे, x का मान 11 बटे 15 लेंगे और इसके दोनों पक्षों को बराबर दिखा देंगे। सबसे पहले हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड या बायां पक्ष जो बराबर है माइनस माइनस x के। x का मान यहाँ पर रखेंगे 11 बटे 15 माइनस माइनस x, x यानी 11 बटे 15 बराबर। अब देखो माइनस गुणा माइनस हो जाता है प्लस। पीछे हमने पढ़ा था कि माइनस को अगर गुणा करेंगे माइनस से तो वो हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस के 11 बटे 15। और 11 बटे 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 11 बटे 15 किसके बराबर है, देखो शुरू से ही 11 बटे 15 बराबर है x के, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं x। तो हमने दिखा दिया कि माइनस माइनस x बराबर x, माइनस माइनस x बराबर x, और यही हमारा क्या था राइट हैंड साइड। तो इस तरह से इसको हम सत्यापित कर देंगे। सेकंड पार्ट करते हैं इसका, x बराबर है माइनस के 13 बटे 17, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, माइनस माइनस x, माइनस माइनस x का मान रखेंगे माइनस के 13 बटे 17। देखो बच्चों आपने कन्फ्यूज नहीं होना है इसके अंदर, यहाँ पर देखो एक माइन दो माइनस हमें पहले दिए हुए हैं, माइनस ब्रैकेट माइनस x, x का मान भी माइनस में है माइनस के 13 बटे 17 बराबर। अब देखो यहाँ पर माइनस है वो तीन बार गुणा है, तो माइनस अगर तीन बार गुणा होगा तो माइनस ही रहेगा, माइनस गुणा माइनस प्लस, और फिर एक बार माइनस से गुणा करेंगे तो क्या आएगा माइनस, माइनस को अगर तीन बार गुणा करते हैं तो माइनस ही रहेगा, तो ये हो जाएगा माइनस के 13 बटे 17 बराबर। अब माइनस के 13 बटे 17 यहाँ से किसके बराबर था, एक्स के बराबर, बराबर एक्स। तो हमने दिखा दिया कि माइनस माइनस एक्स बराबर एक्स, और ये हमारा था राइट हैंड साइड। तो इस प्रकार से हम दोनों पार्ट के लिए सत्यापित कर देंगे। फोर्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित के गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। अब बच्चों देखो सेकंड के अंदर हमने किया था निम्नलिखित में प्रत्येक के योज्य प्रतिलोम, यहाँ पर है गुणात्मक प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम में हमें उसका साइन था उसको सिर्फ चेंज किया था, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, यहाँ पर है गुणात्मक प्रतिलोम। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर जो संख्या हमें दी हुई है हम उस संख्या का उल्टा कर देंगे, यानी कि उस संख्या का उल्टा मतलब क्या है कि उस संख्या को हम पलट देंगे, अंश है हर हो जाएगा और हर है वो अंश हो जाएगा। क्योंकि योज्य प्रतिलोम मैंने बताया था कि योज्य प्रतिलोम किसी भी संख्या का योज्य प्रतिलोम वो संख्या होगी जो उसमें जोड़ने पर क्या हो जाए उसका मान जीरो कर दे। तो यहाँ पर गुणात्मक प्रतिलोम वो संख्या होगी जो इसके साथ गुणा करने पर, कि गुणात्मक है तो गुणा करने पर, योज्य है तो जोड़ने पर, जो उसके साथ है गुणा करने पर उसका मान कितना आए, एक आए। देखो बच्चों योज्य प्रतिलोम निकाला था हमने, x का योज्य प्रतिलोम था माइनस के एक्स, x का योज्य प्रतिलोम था माइनस x, यानी कि उस संख्या में का हमने सिर्फ निशान बदला था, जो संख्या थी उसका हमने साइन को चेंज कर दिया था। या ये कहें कि x का योज्य प्रतिलोम वो संख्या है कि
या ये कहें कि x का योज्य प्रतिलोम से मतलब है कि x के अंदर क्या जोड़ें, योज्य यानी कि जोड़, योज्य से मतलब यहाँ पर योग से है कि x के अंदर क्या जोड़ें कि उसका जो मान है वो जीरो आ जाए। तो x के अंदर क्या जोड़ने पर जीरो आएगा, माइनस x जोड़ने पर, तो x का योज्य प्रतिलोम हो जाएगा माइनस के x। पाँच का योज्य प्रतिलोम क्या होगा कि पाँच के अंदर क्या जोड़ें कि वो जीरो हो जाए, माइनस पाँच। इसी प्रकार गुणात्मक प्रतिलोम, x का गुणात्मक प्रतिलोम, तो गुणात्मक प्रतिलोम से मतलब है कि x को किस संख्या से गुणा करें कि वो एक हो जाए। तो x को हम गुणा करेंगे x के उल्टे से, x को गुणा करेंगे 1/x से, ताकि वो क्या हो जाए, एक। तो x का गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा 1/x। हम संख्या लेते हैं 5, 5 का गुणात्मक प्रतिलोम यानी 5 को किससे गुणा करें कि एक आए, तो 5 को हम 1/5 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक। तो 5 का गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा 1/5। तो आप समझ गए होंगे योज्य प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम कैसे निकालते हैं। आइए हम एक एक पार्ट को हल करते हैं। फर्स्ट पार्ट है -13। -13 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो -13 का गुणात्मक प्रतिलोम, या ये कहें कि -13 को किससे गुणा करें कि एक आ जाए, तो -13 का गुणात्मक प्रतिलोम होगा -1/13। हमने सिर्फ इसको पलट दिया, अंश को हर कर दिया और हर को अंश कर दिया, सिर्फ ये किया हमने और कुछ नहीं इसके अंदर। तो -13 का गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा -1/13। इन दोनों की गुणा करेंगे हम, अगर देखते हैं करके हम, -13 गुणा -1/13, तो ये हमारे पास आएगा एक। सेकंड पार्ट करते हैं, -13/19 का गुणात्मक प्रतिलोम बराबर होगा माइनस के 19/13। इसको हमने सिर्फ पलट दिया। थर्ड पार्ट है 1/5, 1/5 का गुणात्मक प्रतिलोम, बहुत आसान है, 5/1 या कहें 5। नेक्स्ट पार्ट है -5/8 गुणा -3/7। पहले इसको थोड़ा हल कर लेंगे, माइनस गुणा माइनस प्लस हो जाएगा, 5 गुणा 3 15, 8 गुणा 7 56, तो 15/56 का गुणात्मक प्रतिलोम निकालेंगे हम, वो बराबर होगा 56/15। पांचवा पार्ट है -1 गुणा -2/5। हल करेंगे पहले इसको, माइनस गुणा माइनस प्लस हो जाएगा, 1 गुणा 2/5, 2/5 आएगा का गुणात्मक प्रतिलोम बराबर होगा 5/2। छठा पार्ट है -1 का गुणात्मक प्रतिलोम, इसका उल्टा हो जाएगा, -1 का उल्टा करेंगे तो भी कितना आएगा, -1 ही आएगा। इन दोनों के गुणा करके देखो, -1 गुणा -1 बराबर होगा एक। किसी भी संख्या को उसके गुणात्मक प्रतिलोम से गुणा करेंगे तो हमारे पास आना चाहिए एक। तो यहाँ पर -1 का गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा -1। तो इस प्रकार से हम किसी भी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम और योज्य प्रतिलोम निकाल सकते हैं।